यहाँ पे जो दूरी है टू ए हमेशा लेना है, ध्यान रखना है इस चीज को। यदि दो समान परिवार वाले विजाती आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार जो निकाय बनता है उसे विद्युत ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो निकाय बना हुआ है ये विद्युत अगर लाल अदरक कोट बोकरा डाल दो, कोरी कोट बोकरा डाल दो। है। अपने आप को उधर से म्यूट कर लेंगे। अब यहां पर देखिए द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव के एक आवेश एवं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। इसी एक आवेश एवं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब P बराबर होता है Q इंटू टू ए। P इज इक्वल Q इंटू टू ए। और यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा द्विध्रुव की लंबाई के अनुदिश होती है। तो अभी हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं, अभी हम जो डेरिवेशन करेंगे उसमें इसका उपयोग है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। P बराबर Q इंटू टू ए का उपयोग होने वाला है। उधर से अपने आप को म्यूट कर लेंगे। लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था, विद्युत बल रेखाएं किन्हें कहते हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए, ये आप लोग कर लिए होंगे। पहला और दूसरा आपने कर लिया होगा। तीसरा जो क्वेश्चन था, विद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक है। तो विद्युत ध्रुव किसे कहते हैं अभी मैंने बताया, और इसका एसआई मात्रक नहीं होता है। विद्युत ध्रुव का एसआई मात्रक नहीं होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव एक निकाय है, उसका कोई मात्रक नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखेंगे। उधर से कुछ बातें हो रही है, अपने आप को म्यूट कर लेंगे प्लीज। सो विद्युत द्विध्रुव का मात्रक नहीं होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, सभी लोग ध्यान देंगे, जो आज का मेन टॉपिक है उस पर सभी लोग ध्यान दें। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह आज का मेन टॉपिक है। ये भावना, सॉरी आप लोग उधर से म्यूट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम जा रही है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, और ये पहली स्थिति अच्छी स्थिति में। तो यहां पर इस डेरिवेशन को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, मैंने बार बार इस पर फोकस किया है। यहां पर देखिए ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, पॉइंटर पर ध्यान देंगे। यहां पे ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है और जिसके आवेश माइनस क्यू एवं प्लस क्यू हैं। ए बी एक द्विध्रुव है जिसके आवेश माइनस क्यू एवं प्लस क्यू हैं, और हमें मालूम है द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी 2a होती है। O यहां पर मध्य बिंदु है, O AB का मध्य बिंदु है, तो OA हो जाएगा स्मॉल a और OB हो जाएगा स्मॉल a, क्योंकि AB बराबर होता है 2a, तो OA हो जाएगा a और OB भी हो जाएगा a। तो जो AB के बीच की दूरी है 2a दो भागों में विभाजित होगी, पहला है a और दूसरा भी a। तो यहां पे देखिए ए बी एक द्विध्रुव है जिसके आवेश माइनस क्यू एवं प्लस क्यू हैं। जो माइनस क्यू आवेश है बिंदु ए पर है और जो प्लस क्यू आवेश है बिंदु बी पर है। अच्छी स्थिति क्या होती है? जब बिंदु, कोई भी बिंदु, यदि कोई बिंदु द्विध्रुव द्विध्रुव की लंबाई के अनुदिश हो। यहां पर देखो मैंने एक रेखा खींचा जो ए बी हो गया द्विध्रुव,
और इसकी लंबाई के अनुसार मैंने एक रेखा खींचा और उसी रेखा पर एक बिंदु पी लिया, इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। यदि कोई बिंदु द्विध्रुव की के अनुदिश खींची गई रेखा पर हो, यदि कोई बिंदु द्विध्रुव के अनुदिश खींची गई रेखा पर हो तो उसे बोलते हैं अक्षीय स्थिति। तो हम यहां पर ये जो ए बी है द्विध्रुव है, इसी की लंबाई को हमने आगे बढ़ाया और एक बिंदु पी लिया, तो बिंदु पी कहां पर हो गया, अक्षीय स्थिति में, मतलब उसी अक्ष पर। अब जो बिंदु पी की जो दूरी लेना है वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लेना है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। हमने यहां पे द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ लिया है, यहां पे द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ है और ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान से देखेंगे, द्विध्रुव के बिंदु मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमारे पास दो आवेश हैं, एक है प्लस क्यू आवेश और दूसरा है माइनस क्यू आवेश। तो बारी बारी से पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मालूम है, क्या होता है, एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है और उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। हमें मालूम होना चाहिए कि बिंदु पहले आवेश प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी क्या है और दूसरे आवेश माइनस क्यू से बिंदु पी की दूरी क्या है। ठीक है, एक बार फिर से डायग्राम को समझ लेंगे। माना हमारे पास एक द्विध्रुव ए बी है जिसके आवेश माइनस क्यू एवं प्लस क्यू है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसके लिए प्लस क्यू आवेश एवं माइनस क्यू आवेश की बिंदु पी से दूरी क्या होती है ये मालूम होना जरूरी है। तो यहां पर देखिए, प्लस क्यू आवेश की बिंदु पी से दूरी क्या है, बीपी, और बीपी इज इक्वल क्या होगा, दूरी को हमेशा ओ से लेना है, तो बीपी बराबर हो जाएगा ओपी माइनस ओबी। ध्यान से देखिए डायग्राम को, बीपी बराबर ओपी माइनस ओबी। यदि ओपी से ओबी को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, बीपी। यहां मैंने लिखा भी है बीपी बराबर ओपी माइनस ओबी, ओपी है आर और ओबी है ए, ये हो जाएगा आर माइनस ए। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश का बिंदु पी से दूरी हो जाएगा एपी, माइनस क्यू आवेश की बिंदु पी से दूरी क्या हो जाएगी, एपी, और एपी बराबर क्या हो जाएगा, ओए प्लस ओपी, और ओए है ए और ओपी है आर, ये हो जाएगा आर प्लस ए। तो बीपी हो जाएगा आर माइनस ए और एपी हो जाएगा आर प्लस ए। तो इस डायग्राम में इतना ही समझना है, आपको एक विद्युत द्विध्रुव लेना है, हमने यहां ए बी लिया है, उसका मध्य बिंदु ओ है, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम अलग अलग आवेश लेंगे, पहले प्लस क्यू आवेश कण बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश कण बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता ये हो जाएगा ईवन बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर। चलिए देखिए कैसे, प्लस क्यू आवेश कहां पे है, बिंदु बी पर है, और प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी क्या है, बीपी, इसलिए दूरी के स्क्वायर हमने लिया है बीपी का स्क्वायर, क्या लिया है, बीपी का स्क्वायर, और बीपी को हमने यहां निकाला है आर माइनस ए, जो इसकी दिशा होगी बीपी दिशा में होगी। बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण
जो बिंदु पी पर तीव्रता होगी इस दिशा में होगी, बीपी दिशा में। ये हो जाएगा ई वन बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर प्लस क्यू आवेश की बिंदु पी से दूरी कितनी है बीपी, तो हो जाएगा बीपी स्क्वायर। तो ई वन बराबर हो जाएगा एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन पीपी का मान निकाला है आर माइनस ए, तो हो जाएगा आर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया समीकरण एक। अब यहां पर देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, तो माइनस क्यू की बिंदु पी से दूरी हमने निकाला है आर प्लस ए, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये ई टू जो E2 की दिशा होगी E1 से अपोजिट होगी, E2 की दिशा E1 से अपोजिट होगी। तो ये हो जाएगा E2 बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन यहां पे E2 बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पी ए स्क्वायर। हमने पी ए का मान निकाला है R प्लस ए, तो E2 बराबर हो जाएगा एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। तो E1 क्या हो गया बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, और E2 हो गया बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। अब देखिए जो E1 का मान E2 से अधिक है, कैसे, जो प्लस क्यू आवेश है यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो प्लस क्यू आवेश है बिंदु P के नजदीक है और माइनस क्यू आवेश बिंदु P से दूरी पर है, तो प्लस क्यू आवेश कर बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वो अधिक होगी। तो यहां चूंकि जो E1 है E2 से बड़ा है, जो E1 है E2 से बड़ा है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हो जाएगी E बराबर E1 माइनस E2। अब यहां से ध्यान से समझेंगे, हमने E1 का मान निकाला है एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर, और E2 है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। इन दोनों से एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर निकाल लेंगे। देखो इसमें भी एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू है और इसमें भी एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू है, तो इन दोनों को हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालिए तो क्यू बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाला, यहां बचेगा एक बटे आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस यहां बटेगा एक बटे आर प्लस ए का स्क्वायर। अब यहां पे लघुत्तम समावर्तक लेंगे आर माइनस ए और आर प्लस ए का लघुत्तम, आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, इनका जब लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो यही आएगा। मतलब क्या आएगा हमारे पास r माइनस ए का स्क्वायर गुणे आर प्लस ए का स्क्वायर। बट यहां ध्यान दीजिए ये r माइनस ए और ये r प्लस ए, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, आप लोग पढ़े हैं क्लास एट में, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल, यहां ध्यान से देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया, इज इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लास आठवीं से ही पढ़ रहे हो तुम लोग। अब यहां पर देखो हर में ध्यान से देखना है, यहां आर माइनस ए है और यहां r प्लस ए है, दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, फिर यहां r माइनस ए r प्लस ए है, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। किस सूत्र से होगा, इस सूत्र से, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो r माइनस ए r प्लस ए हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाहर पहले से स्क्वायर था। इतना आया समझ में। अब यहां पर देखो जो r प्लस ए के स्क्वायर का गुणा एक के साथ होगा यहाँ पे, और r माइनस ए के स्क्वायर गुणा इसी एक के साथ होगा, मतलब अंश में क्या आएगा r प्लस ए का स्क्वायर माइनस
हाँ यहाँ पे आर प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे आर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। और इसका भी सूत्र होता है, इसको या तो इसी सूत्र से आप एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो एक फॉर्मूला और होता है, हम बता दें ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर, ए प्लस बी का वर्ग माइनस ए माइनस बी का वर्ग बराबर होता है फोर ए बी, बराबर फोर ए बी। ये याद नहीं है फॉर्मूला, तो ए प्लस बी का स्क्वायर मालूम है और ए माइनस बी का स्क्वायर, दोनों माइनस कर देंगे तो आ जाएगा फोर ए बी। तो मालूम नहीं तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, ए प्लस बी का वर्ग माइनस ए माइनस बी का वर्ग बराबर होता है फोर ए बी। यहाँ पे ए के स्थान पे आर है और बी के स्थान पे ए है, तो आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर आर ए, आगे हम लिखे हैं, ठीक है। तो इतना सभी को समझ में आ गया, देखो फिर से पहले और दूसरे में एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन है, इसलिए हमने क्यू बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया। जो अंदर बचेगा वो है एक बटे आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस एक बटे आर प्लस ए का स्क्वायर, और हमने लघुत्तम समावर्तक लिया है, तो लघुत्तम समावर्तक आ जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर इन टू आर प्लस ए का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों में इसलिए बाहर कर दिया, और आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये आर प्लस ए स्क्वायर का गुणा वन के साथ होगा और आर माइनस ए स्क्वायर गुणा इस वन के साथ होगा अंश में, ये बन गया आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये जो अंश में लिखा है वो हो जाएगा फोर आर ए, किस सूत्र से होगा, यहां पर लिखा है मैंने ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर फोर ए बी, ये हो जाएगा फोर आर ए, ठीक है। और या तो डायरेक्ट ये सूत्र याद कर सकते हो, या इन दोनों को ना एक्सपेंड कर दो, हमें मालूम है ये फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो इन दोनों को एक्सपेंड कर दोगे ना तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, फोर ए बी आएगा, है ना। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम होगा तुम लोगों को, ये डायरेक्ट वही याद कर लेना, फोर ए बी है ना, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, फिर ए ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों का तो आ जाएगा, बट यहाँ पे डायरेक्ट याद कर लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर फोर ए बी, तो यहाँ पर आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा फोर आर ए, ऐसे देखो। तो यहां से हो जाएगा ई बराबर क्यू बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फोर ए आर बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमने यहां पर देखिए अंश में लिखा है आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, इसकी जगह हमने लिखा है फोर आर ए, किस सूत्र से, इस सूत्र से, मैंने सूत्र भी लिख दिया है, इसकी जगह लिखा है फोर आर ए, ये हो गया ई बराबर क्यू बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फोर ए आर बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की घाते दो। अब यहां पर देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया है, प्रीवियस स्लाइड चलते हैं, यहां पर देखिए q इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए क्या होता है p, ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण, तो q इंटू टू ए की जगह अब p रखने वाले हैं, ठीक है। क्यू तो पहले से है और यहाँ 4a है, 4a से 2a निकाल देंगे, बचेगा 2r, यहाँ पर 4ar है, देखो हम यहां समझा देते हैं, लिखा है 4ar है ना, सो 4ar बराबर हम लिख सकते हैं 2a, 2a क्योंकि हमें बाहर निकालना है, q इंटू टू ए होता है p, P बराबर होता है Q इंटू टू ए, टू ए बाहर निकालना है, बराबर टू ए इंटू टू आर,
ठीक है, 4ar को हम लिख सकते हैं 2a into 2r, ठीक है। और q पहले से है यहाँ पे, q यहाँ पे पहले से है, तो q into 2r हो जाएगा p, बचेगा हमारे पास 2a, क्या बचेगा 2a, हाँ तो ये हो जाएगा 2pr, ठीक है, क्योंकि q into 2a की जगह क्या रख दिया, p, p बराबर q into 2a, तो q into 2a की जगह p रख दिया तो बचेगा 2pr, और यही होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक बार फिर से समझिए डायग्राम को, यही पे हम डायग्राम बना रहे हैं, देखो ठीक है, जो शुरू में है, हमें एक लेना है विद्युत ध्रुव, ध्यान से सुनिएगा, हमने यहां पे लिया ए बी एक विद्युत ध्रुव है, हम अलग से डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे, ये ए बी हो गया विद्युत ध्रुव, इसके आवेश क्या होते हैं आप सबको मालूम है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, सो माइनस क्यू और प्लस क्यू इसके आवेश हो गए, और इसका मध्य बिंदु लेना है, इसका मध्य बिंदु हमने लिया ओ। अब यहां पर देखिए, हमें मालूम है ए बी की दूरी होती है 2b, 2a होता है, तो ओ ए कितना हो जाएगा a और a, क्योंकि 2a होता है दो भाग में बढ़ जाएगा, ये a और ये a। अब हमें इसी अक्ष पर इसकी लेंथ को आगे बढ़ाएंगे, इसकी लंबाई को, और एक बिंदु P लेंगे जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, ये बिंदु P हो गया, और इसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये मालूम होना चाहिए कि ये बिंदु कितनी दूरी पर, तभी तो तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो जो दूरी लेंगे हम बिंदु O से लेंगे, ध्यान रखना है, तो यहां से ले लेते हैं कि बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है, क्या लेंगे, बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करना है, तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम अलग अलग आवेश लेंगे, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें उस आवेश की बिंदु P से दूरी ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है, तो पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ध्यान देंगे प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता होगी E1 बीपी दिशा में, ये हो गया प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता, ठीक है, फिर माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता, ये हो जाएगी E2, ये PA दिशा में होगा, मतलब प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता जिस दिशा में आई है उसके अपोजिट दिशा में, उसके विपरीत दिशा में, ठीक है, ये हो गया आपका डायग्राम कंप्लीट। अब यहां पे देखो प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर जो तीव्रता है E1 बराबर, हम यहां फिर से लिख रहे हैं, आपको फॉर्मूला बताया था उस दिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0, ध्यान देंगे फिर से 1/4πε0 क्यू अपॉन दूरी स्क्वायर होता है ना, तो क्यू अपॉन, अब यहां पर देखो चित्र में देखो, प्लस क्यू आवेश की पी से दूरी कितनी है, बीपी है, दिखाई दे रहा है आप सबको, हाँ, तो यहां पे लिखेंगे बीपी स्क्वायर, दूरी स्क्वायर होता है, तो यहां पे लिखेंगे बीपी स्क्वायर। अब बताइए बीपी क्या है, बीपी मालूम होना बहुत जरूरी है, तो दूरी को हमेशा बिंदु ओ से लेना है, बीपी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ओपी से, ओपी से ओपी से ओबी को माइनस कर देंगे, इस पूरे ओपी से ओबी को घटा दो, क्योंकि हम जो दूरी ले रहे हैं बिंदु ओ से ले रहे हैं, बिंदु ओ का होना बहुत जरूरी है, तो सिंपल सा यहां पे देखो बीपी की जगह लिखेंगे ओपी माइनस ओबी, ओपी बड़ी लंबाई है, ओपी आर है और ओबी ए है, तो हो जाएगा ओपी माइनस ओबी। यहां पर ध्यान से देखो, यदि ओपी से ओबी को हटा दें तो क्या बनेगा, बीपी, तो ओपी माइनस ओबी, ओपी है आर, ओबी है ए, तो हो जाएगा आर माइनस ए, तो यहां से आ जाएगा E1 बराबर 1/4πε0 और क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर। डायग्राम शायद आप लोग समझ में आ गया होगा,
यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बार बार बता रहे हैं ना, इसलिए अलग से हमने ठीक है। अब यहां पर देखो इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश कण बिंदु पे प्रतिपदा ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा ई टू। अब इसके लिए मैं प्रीवियस में चलते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। देखो ये प्लस क्यू आवेश कण बिंदु पे प्रतिपदा ई वन बराबर ए बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर, ठीक है ये आ गया था। माइनस क्यू आवेश कण बिंदु पे प्रतिपदा इस बार जो दूरी है वो पीए है। देखो माइनस क्यू आवेश कण बिंदु पी पर तीव्रता ये हो जाएगी एपी, और एपी क्या है ओए प्लस ओपी मतलब आर प्लस ए, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है आर प्लस ए। देखो यहाँ पे ए टू बराबर हो जाएगा 1.4π0 क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। अब हम चित्र में देखते हैं कि जो प्लस क्यू आवेश है वो बिंदु पी के पास में है और माइनस क्यू आवेश बिंदु पी से दूर में है, तो कुल विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी ई बराबर होगी E1 माइनस E2। तो यहां से E1 का मान रख दिया और E2 का भी मान रख दिया। E1 और E2 से एक बटे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ रहा है, दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी कॉमन है, तो हमने बाहर निकाल दिया। जो अंदर बचेगा एक बटे आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस एक बटे आर प्लस ए का स्क्वायर होगा। बराबर क्यू बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पे लघुत्तम समावर्तन लेंगे तो आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, और हर में क्या हो जाएगा ये आर माइनस ए और आर प्लस ए है, बाहर दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे आर माइनस ए आर प्लस ए, इसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आएगा, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाहर पहले से स्क्वायर था। अब अंश में जो लिखा है, अंश में लिखा है आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, इसके लिए ये सूत्र लगाएंगे ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर होता है फोर ए बी, तो आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा फोर आर ए, ये हो जाएगा फोर ए आर, और मैंने फोर ए आर को समझाया है कि क्या लिखेंगे इसको टू ए इंटू टू आर, और क्यू इंटू टू ए की जगह पी रखेंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही बिंदु पी पर जो कि अच्छी ये स्थिति में है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, और यहां पर एक स्पेशल केस लेते हैं जिसे बोलते हैं विशेष परिस्थितियां, ये मेन व्यंजक होगा एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, तो इसको याद कर लेना ये मेन व्यंजक है, और ये व्यंजक आपको सॉल्व करते बनना चाहिए, कोई डाउट है तो लास्ट में पूछ लेना है क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए हम बार बार इस पर फोकस कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट मैथ्स वाले हैं उनको तुरंत समझ में आ गया होगा, लेकिन जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यदि फॉर्मूला मालूम है तो भी समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। आगे देखते हैं, यह द्विध्रुव का द्विध्रुव आकार में छोटा होगा, द्विध्रुव आकार में छोटा है तो ए का मान होगा आर की तुलना में बहुत कम होगा, कैसे यहां पर देखो द्विध्रुव की लंबाई होती है टू ए, तो यदि आकार में छोटा है तो जो ए का मान है आर की तुलना में बहुत कम होगा, द्विध्रुव यदि आकार में छोटा है तो आर का मान बहुत अधिक होगा ए की तुलना में, तो यहां पे जो सूत्र लिखा है ए बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यदि द्विध्रुव की लंबाई कम है तो ए की स्क्वायर जो यहां पे लिखा है उसको हटा देंगे, क्योंकि ए का मान आर की तुलना में यदि कम है तो ए स्क्वायर को यहां से हटा देंगे, तो अपने पास बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी आर अपॉन आर स्क्वायर फिर स्क्वायर, आर के खाते चार बचेगा, यहां से ए स्क्वायर हटा देंगे, कारण क्या लिखेंगे ये द्विध्रुव की लंबाई छोटी हो तो ए स्क्वायर को हटाने पर, ए स्क्वायर को हटाएंगे तो बचेगा e बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी आर अपॉन आर की घात चार, एक आर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा e बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है कैसे यहां पे ए स्क्वायर हटा दो,
देखो यहां से ए स्क्वायर हटाओगे, आर स्क्वायर आर की खाते दो की खाते दो, तो आर की खाते चार हो जाएगी, तो टू पी आर बटे आर की खाते चार, टू पी आर बटे आर की खाते चार, एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टू पी अपॉन आर क्यूब। ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। ये द्विध्रुव का आकार छोटा हो तब, ये द्विध्रुव आकार छोटा हो तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो है वो मेन डेरिवेशन है, ए बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो पहले होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिखने के बाद जो डाउट है तुरंत पूछो, क्योंकि इसमें डाउट जरूर होंगे, तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बारी बारी से डाउट पूछ सकते हैं। चलिए पहले होमवर्क लिख लीजिए। चलिए अब बारी बारी से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, एक मुझे भूमिका से प्रश्न मिला है, अच्छी स्थिति क्या है। तो भूमिका ध्यान से, अच्छी स्थिति क्या होती है वो हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, अच्छी स्थिति क्या है। तो ये जो डायग्राम बनाया मैंने, ये क्या हो गया, एक द्विध्रुव हो गया, ए बी एक द्विध्रुव हो गया, ठीक है। और यदि कोई बिंदु ए बी के लंबाई के अनुदिश है, मतलब ए बी की लंबाई को बढ़ाओ, सीधे सरल रेखा बना, ए बी की लंबाई को हमने बढ़ाया और यहां पर एक बिंदु पी है, ये जो बिंदु पी होगा अच्छी स्थिति में होगा, मतलब एक ही अक्ष पर, मतलब एक ही रेखा में जो ए बी की लंबाई है, ए बी एक हो गया द्विध्रुव, और ए बी की लंबाई के अनुदिश यदि कोई अक्ष है तो उसे बोलते हैं अक्षीय स्थिति। ए बी की लंबाई के अनुदिश यदि कोई बिंदु है तो वह बिंदु क्या होगा, अक्षीय स्थिति में होगा। तो इतना समझना है, द्विध्रुव की लंबाई के अनुदिश, मतलब द्विध्रुव की लंबाई की दिशा में। और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में ऐसी रेखा जो द्विध्रुव की लंबाई के लंबवत होती है उसे बोलते हैं निरक्षीय, और ऐसी रेखा जो द्विध्रुव की लंबाई के अनुदिश होती है, मतलब उसी दिशा में होती है, उसे बोलते हैं अक्षीय। इसलिए आपने डायग्राम देखा होगा, हमने जो बिंदु पी को यहां पर जैसे लिया, ए बी क्या हो गया द्विध्रुव, और जो बिंदु पी लिया है इस ए बी को थोड़ा आगे बढ़ाकर, है ना, ए बी की दिशा में एक रेखा लिया, उसी रेखा पर एक बिंदु पी लिया, तो जो बिंदु पी हो जाएगा वो अक्षीय स्थिति में होगा।
चलिए दूसरा कोई प्रश्न। ये डेरिवेशन है, डाउट जरूर आएंगे इसलिए प्रश्न कीजिए। हाँ हम बारी बारी से पूछ रहे हैं। अतुल ठाकुर जी, मेरी मेरी आवाज आ रही है आपको? अतुल ठाकुर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जिसके समझ नहीं आया वो क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि डेरिवेशन है, जरूर थोड़ा प्रॉब्लम होगी। गौरव देवांगन, गौरव देवांगन सर, आ गया समझ में? दीपक साहू, समझ में आ गया पूरा? फिर से किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बता दीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक बार फिर से समझा दिया जाएगा। आप नहीं बोल पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, चैट बॉक्स को हम अभी देख लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप अभी बोल दीजिए, डाउट क्लियर कर दिया जाएगा यहां से। चलिए ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो एक क्विज होने वाला है, फिर से बता दें क्विज का कंडीशन क्या है। आप myquiz.org, गूगल क्रोम के myquiz.org में जाइए। हेलो, हाँ बोलिए। अच्छे स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति क्यों कहते हैं जी? अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति क्यों कहते हैं? कौन सी स्थिति सर? अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति क्यों कहते हैं? अनुदैर्ध्य मींस होता है, सुनिए मेरी बात को, अनुदैर्ध्य मींस होता है पृथ्वी के सतह के समांतर, ठीक है? तो जो अक्षीय स्थिति है उसमें जो रेखा होती है वो पृथ्वी की सतह के समांतर होती है। दो चीजें हैं, अच्छी और निरक्षीय। अच्छी मतलब होता है अनुदैर्ध्य, पृथ्वी की सतह के समांतर, ठीक है? और जो दूसरा होता है निरक्षीय मतलब लंबवत। तो जो यहाँ पे बिंदु पी है वो एबी के समांतर है, इसलिए कहते हैं एबी के दिशा के अनुदिश है, इसलिए। एक क्विज होने जा रहा है myquiz. अपने गूगल के क्रोम में myquiz.org, गूगल क्रोम में myquiz.org टाइप करेंगे, myquiz गूगल क्रोम के URL में myquiz.org, और हम यहां से एक कोड भेजेंगे, कोड को उस डालेंगे फिर ज्वाइन हो जाएंगे आप। तो क्विज स्टार्ट कर रहे हैं अभी, कोड कोड हम भेज रहे हैं। और जो वर्चुअल ग्रुप की क्लास में है उनको पीडीएफ, आज के डेरिवेशन का पीडीएफ मिल जाएगा, उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? और समझ नहीं आता है तो उस वर्चुअल क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप जो भी अब समझ नहीं आया होगा तो उससे भी क्लियर कर सकते हैं। सर ग्रुप में एड क्विज स्टार्ट कर रहे हैं सर, क्या बोल? हाँ बोलो। जी वेब क्या बोलते सर, क्रोम में कौन सा आईडी खोलें? myquiz.org, myquiz, my आप गूगल क्रोम में जाइए
और गूगल क्रोम के ब्राउजर में माई क्विज MyQUIZ.org MyQuiz.org उसमें कोड है 271054 271054 चैट बॉक्स में डाल रहे हैं कोड को 271054 चैट बॉक्स में देखिए कोड 271054 हो गया 271054 कोड है स्टार्ट करने जा रहे हैं लोग गेम स्टार्ट कर रहे हैं सबने लॉगिन कर लिया ज्वाइन कर लिया सब लोगों ने यस सर प्रश्न है पहला विद्युत ध्रुव में दो आवेशों के मध्य की दूरी केवल दो लोगों ने ज्वाइन किया है तीन चार चार लोगों ने ज्वाइन किया अभी तक जी दूसरा प्रश्न है विद्युत ध्रुव का कुल आवेश कितना होता है अनंत या शून्य अभी तक किसी लोग ने आंसर नहीं दिया हाँ एक आंसर मिला दो तीन चार केवल चार लोग ही प्रयास कर रहे हैं पांच फिर है विद्युत ध्रुव का हाँ वही है कुल आवेश कितना होता है अनंत और जीरो केवल 40% जीरो लिखे हैं खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है शून्य या अनंत चलिए राकेश हाँ तो यहाँ पे समीर गुप्ता आज के विनर हैं समीर गुप्ता 23 पॉइंट्स के साथ और पांच लोगों ने प्रयास किया और लास्ट टाइम जो जिन्होंने प्रयास किया था वो आज उन्होंने इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया तो सभी लोग पार्टिसिपेट करें ठीक है अभी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए चार बज गए हैं हाँ बोलिए माइक्विज ओपन कैसे माइक्विज आप क्रोम में जाएंगे क्रोम में myquiz.org टाइप करना है URL में ऊपर myquiz.org टाइप करेंगे ना तो फिर आएगा ज्वाइन करने के लिए कोड मांगेगा ज्वाइन आप कोड डालेंगे और ज्वाइन करेंगे तो कुछ की चीजें मांगेंगी एज मांगता है एज क्या है पूछ और दो तीन चीजें मांगता है आप उसको डालिए अपने आप स्टार्ट हो जाता है फिर यहाँ से स्टार्ट करने पर स्टार्ट हो जाता है वो yes, अच्छा जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं वो रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं मेरी क्लास कि आज कुछ नए स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट हैं वो रेगुलर स्टूडेंट हैं कि कुछ नए स्टूडेंट हैं यहाँ पे जितने स्टूडेंट यहाँ पे हैं सभी लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं क्या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं सर